हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आप देख रहे हैं स्टडी प्लैनेट। आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी कॉमन टॉपिक के बारे में, जो आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पब्लिक पॉलिसी आपके पास सब्जेक्ट है तो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। टॉपिक का नाम है गुड गवर्नेंस। तो गुड गवर्नेंस क्या होता है, कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये सारी बातें हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। तो गवर्नेंस का मतलब होता है शासन, और गुड गवर्नेंस को हम समझना चाहें तो सुशासन, मतलब बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से शासन और प्रशासन को चलाना, इसका मतलब गुड गवर्नेंस होता है। और गवर्नेंस की, गुड गवर्नेंस की ज़रूरत क्या है, तो किसी भी एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर, किसी भी समाज के अंदर डिसीजन मेकिंग करना, मतलब फैसले लेना, या फिर पब्लिक पॉलिसीज़ को बनाना, उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना बेहतर गवर्नेंस होगा, उतना ही बेहतर उस देश की जो है डिसीजन मेकिंग की जा सकेगी, या फिर पब्लिक पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकेगा। उसके अलावा प्रशासन की हम बात करें या जो है गवर्नेंस की बात करें, तो वो नेशनल लेवल पर भी काम करता है, किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हो सकता है, तो उसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस बोलेंगे, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर ही हो सकता है, जिसको हम इंटरनेशनल गवर्नेंस बोल सकते हैं। ईयर 1992 के अंदर वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई, गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट, और इस रिपोर्ट के तहत गवर्नेंस को समझाने की या गुड गवर्नेंस की को डिफाइन करने की कोशिश की गई, जिसके तहत गुड गवर्नेंस का मतलब है कि किसी भी देश के अंदर उसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज और सोशल रिसोर्सेज को किस तरीके से प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट किया जा सकता है कि जिससे किसी भी देश का मैक्सिमम डेवलपमेंट हो सके। तो ये डेफिनेशन जो है वर्ल्ड बैंक की तरफ से गुड गवर्नेंस की दी गई है। और उसके अलावा गुड गवर्नेंस को और बेहतर समझाने के लिए 8 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिए गए हैं। अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है पार्टिसिपेशन, मतलब सहभागिता, जिसके तहत समाज के अंदर कोई भी फैसला लिया जा रहा है तो उसके अंदर समाज के जितने भी वर्ग के लोग हैं, मतलब कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग के लोग भी हैं, जो विमेंस हैं, जो माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, इन सब का भी बेहतर तरीके से हर प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंटेशन हो सके, इनको भी इंक्लूड किया जा सके, ये हमारा सबसे पहला प्रिंसिपल माना जाता है गुड गवर्नेंस का। दूसरे प्रिंसिपल की हम बात करें तो दूसरा प्रिंसिपल है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ भी यही कहता है कि देश के अंदर जो भी शासन या प्रशासन चलाया जा रहा है वो सब बिल्कुल संविधान के दायरे में रहते हुए चलाया जाए, और संविधान सबके लिए बराबरी के तौर पर काम करे। इसका मतलब जो स्पेशली जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका प्रोटेक्शन किया जा सके और उसको प्रमोट किया जाए। अगला जो प्रिंसिपल है वो है कंसेंसस ओरिएंटेड। यहाँ पर इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि सरकार के द्वारा जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, उन सब के तहत किसी भी, मतलब हर एक इंडिविजुअल की जो नीड्स हैं उसको पूरा करना तो पॉसिबल नहीं है, पर ये फैसले या पॉलिसीज़ इस हिसाब से बनाई जा सकती है जिससे एक आम राय लोगों की हो, मतलब समाज के जितने भी, सोसाइटी एज अ होल, समाज, पूरे समाज के तौर पर जो ज़रूरतें हैं, जो उनका इंटरेस्ट है, उसको पूरा किया जा सके। अगला जो प्रिंसिपल है इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल माना जाता है। गुड गवर्नेंस के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो समाज है वो एक इक्विटेबल समाज हो, जस्ट सोसाइटी हो, जहाँ पर ज़्यादा भेदभाव ना हो, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको इक्वली सबके लिए प्रमोट किया जाए ताकि सबको आगे बढ़ने का मौका मिल सके। अगला जो प्रिंसिपल है वो है इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशेंसी। ये बहुत ज़रूरी है, अगर इसके तहत देखा जाए तो सरकार जो भी काम कर रही है या जो भी इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं सरकार के, वो इस हिसाब से काम करें, जो भी उनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनका बेहतर तरीके से, कारगर तरीके से इस्तेमाल करें और मैक्सिमम आउटपुट निकाल के दे, जिससे देश का ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। अगला प्रिंसिपल है अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही को तय करना बहुत ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए, कि जो सरकार है, जो सरकार की अथॉरिटीज़ हैं, उनकी अकाउंटेबिलिटी को तय किया जाए ताकि कोई भी अपनी पावर का मिसयूज़ ना कर सके और सभी अपने दायरे में रहकर काम करें। इसके अलावा अगला जो प्रिंसिपल है वो है ट्रांसपेरेंसी, मतलब इसके तहत पारदर्शिता लाना कि जो भी गवर्नेंस हो रहा है, जो भी शासन चल रहा है, आपका प्रशासन चल रहा है, जो भी फैसले लिए जा रहे हैं, उसके बारे में लोगों को पूरी जानकारी हो, और लोग जो वोट दे रहे हैं या फिर जो टैक्सेस पे कर रहे हैं उनको सरकार के कामकाज के बारे में सारी बातें साफ तौर पर पता होना चाहिए, ताकि वो सरकार के इंटेंशन को और उनके कामकाज को बेहतर तरीके से समझ सकें, और अगर कोई चीज़ गलत लगती है तो उनसे सवाल पूछ सकें। आखिरी प्रिंसिपल है रेस्पॉन्सिवनेस, और इसके तहत जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनका प्रोसेस बेहतर होना चाहिए काम करने का, ताकि वो सही समय पर जितने भी सिटीजन्स हैं उनके सर्विस के लिए काम कर सके और इनकी लाइफ को ज़्यादा बेहतर बना सकें।
आगे बात करेंगे इसके बारे में। उससे पहले आपको बता देते कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको क्लास 11, 12 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आसान भाषा में मिल जाएंगी। तो आप जिस भी क्लास में, जिस भी सेमेस्टर में, आप सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसकी प्लेलिस्ट को चेक कीजिए और अपनी प्लेलिस्ट के हिसाब से, अपने कोर्स के हिसाब से वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमसे पेड क्लासेस या पेड नोट्स आते हैं, उसके लिए भी आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इनिशिएटिव्स ऑफ गुड गवर्नेंस इन इंडिया, कि भारत के अंदर गुड गवर्नेंस के तहत या उसको लाने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। तो यहाँ पर हम दो इम्पॉर्टेंट कदम की बात करेंगे, दो इम्पॉर्टेंट स्टेप्स की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। और ये एक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही मजबूत है, जो क्या करता है, जो सिटीजन्स है उनको एम्पावर करता है और उनको सशक्त करता है कि वो सरकार और सरकार से रिलेटेड जो भी अथॉरिटीज़ हैं, जो भी संस्थाएं हैं, उनसे कोई भी जानकारी, उनके कामकाज के बारे में कोई भी जानकारी सरकार से मांग सकते हैं। और ये कानून काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो सिटीजन्स को ना सिर्फ अवेयर करता है बल्कि काफ़ी सशक्त भी उनको बनाता है, पॉलिटिकली काफ़ी इमेंसिपेशन लोगों का करता है। दूसरा जो इनिशिएटिव है वो है ई गवर्नेंस, और ई गवर्नेंस भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जिसके तहत जो है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके गवर्नेंस को और ज़्यादा प्रभावकारी और रेस्पॉन्सिव बनाया गया है, जिसके थ्रू लोगों के लिए और सरकार के बीच में जो डिस्टेंस है उसको कम करने की कोशिश की गई है और लोगों की जो एक्सेस है, जो उसकी पहुँच है, वो ज़्यादा बेहतर हो गई है प्रशासन के अंदर। इन दोनों ही जो इनिशिएटिव्स हैं इंडिया के अंदर गुड गवर्नेंस के लिए, इसका बहुत बेसिक सा पर्पस है कि सरकार और उसके इंस्टीट्यूशंस के अंदर ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता बढ़ाई जाए और अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, कि जिससे लोग सरकार के बारे में सारी चीज़ें देख सके, समझ सके, ना सिर्फ समझ सके बल्कि अपना पार्टिसिपेशन भी टाइम टू टाइम कर सकें। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस ऑफ गुड गवर्नेंस। उससे पहले बता दूं तो मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली बना चुका हूं, तो चाहे कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो, इंटरनेशनल रिलेशंस हो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या पब्लिक पॉलिसी हो, इनके ऊपर जो भी वीडियोस हैं उन सब की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी, आप चेक कर सकते हैं। चैलेंजेस की बात की जाए तो काफ़ी सारे चैलेंजेस में सबसे पहला नाम आता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स। जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, अगर वो ही, उनके ऊपर ही क्रिमिनल केसेस लगे होंगे तो हम उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो देश को ज़्यादा बेहतर तरीके से चला पाएंगे। दूसरे हम लिमिटेशन की बात करें तो वो है करप्शन। करप्शन भी एक काफ़ी बड़ा ऑब्स्टिकल है गुड गवर्नेंस के लिए, जिससे देश के जो भी रिसोर्सेज हैं वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता और हमारे अधिकारी या फिर सिविल सर्वेंट्स या फिर पॉलिटिशियंस ही करप्ट होंगे तो देश के बेहतरी के लिए कभी भी काम नहीं कर सकते। अगला जो चैलेंज है वो जेंडर डिस्पैरिटी, जो गुड गवर्नेंस के लिए वो भी काफ़ी बड़ा ऑब्स्टिकल है, जहाँ पर अगर जो प्रशासन है हमारा, जो गवर्नेंस है, वो इस हिसाब से की जानी चाहिए जिसके अंदर जो एग्जिस्टिंग जो डिफरेंसेस हैं, जो भेदभाव हैं मैन और वीमेंस के बीच में, उसको ख़त्म किया जा सके ताकि समाज के अंदर सभी को बराबरी के तौर पर मौका मिल सके अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटीज़ को एक्सपेंड करने में। तो जो भेदभाव है जितना ज़्यादा रहेगा, गुड गवर्नेंस उतनी कम रहेगी आपकी। आखिरी ऑब्स्टिकल है हमारा सेंट्रलाइजेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। इसका मतलब है कि जो शक्तियाँ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, उनका डिसेंट्रलाइज होना ज़रूरी है। अगर सारी शक्तियाँ किसी भी संगठन के अंदर सिर्फ कुछ हाथों में रहेंगी, कुछ लिमिटेड लोगों के पास रहेंगी, तो हमेशा वहाँ पर डेमोक्रेसी कम होगी और डिक्टेटरशिप बढ़ने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो आप प्रशासन को सही तरीके से चलाना चाहते हो तो आप जो शक्तियाँ हैं उसको बेहतर तरीके से नीचे तक आपको, मतलब सब लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ताकि कोई भी अथॉरिटी डिक्टेटरशिप में कन्वर्ट ना हो और सब लोगों के ऊपर जो काम का प्रेशर है, जिम्मेदारी है, उसको भी बराबर रूप से बांटा जा सके। तो ये पूरा टॉपिक था, मैंने आपको डिटेल में समझाया आसान भाषा में। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही आसान भाषा में वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।